रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ पिंडलियों का दर्द, जिसको साधारण भाषा में बाइटे आना भी कहते हैं। ये फूड सप्लीमेंट्री की वजह से होता है, जिसमें जो भोजन करता है व्यक्ति, उसके अंदर एक न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होनी चाहिए वो वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर ये देखा गया है जवान लड़कों से, जवान लड़कियों से, बूढ़े लोगों तक ये शिकायतें सुनने में देखने में आती है कि पाँव में बाइटे आते हैं, जिसको साधारण भाषा में ये भी कहा जाता है कि नस के ऊपर नस चढ़ गई। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उपनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ पांवों में पिंडलियों के जो दर्द होता है वो असहनीय होता है, बाइटे आना भी कहते हैं जिसको। अक्सर काफ़ी लोग हमने देखे हैं कि रात को सोते समय इस दर्द से परेशान हो जाते हैं, तब अज्ञान की वजह से वो उसका इलाज न करवा कर दो प्रकार से स्वयंभू बने हुए हैं। एक तो पेन किलर या दर्द निवारक गोली खाएंगे, जिससे वो दर्द भूल जाएंगे और नींद आ जाएगी। दूसरा, कुछ लोग उस पिंडलियों को किसी रस्सी से, रुमाल से, मफलर से बांध देते हैं, थोड़ा कसकर बांधते हैं, जिससे वो दर्द में राहत महसूस करते हैं और वो इस प्रकार से अपनी जिंदगी को चलाते हैं। ये क्यों होता है, इसके ऊपर ध्यान कम दिया जाता है और जो ध्यान देते हैं वो इलाज करवा लेते हैं। इसमें देखा जाएगा तो मूल जो कारण है वो आपकी फूड सप्लीमेंट्री नहीं लेने की वजह से। आपका जो भोजन है, उस भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए वो नहीं होने से ये एक प्रकार का रोग बन जाता है, और इस रोग को बेरीबेरी रोग भी कहते हैं। बेरीबेरी रोग दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक गीली बेरीबेरी और दूसरी सूखी बेरीबेरी। तो ये बेरीबेरी का जो रोग है, इसका सीधा संबंध यही है कि आपको फूड सप्लीमेंट्री लेने की आवश्यकता है, जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेटें आती है, जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं वो देते हैं, और ये मेडिसिन फूड सप्लीमेंट्री में ही आती है। और इसके अगर वो दवा आप न लेना चाहें तो उसके लिए आपको एक अच्छे डाइट चार्ट की जरूरत हो सकती है, जो आपके पास में कोई डाइटिशियन हो उनसे आप डाइट चार्ट बनवा लीजिए, ताकि आप जो भोजन करेंगे वो संतुलित मात्रा में भोजन हो जाएगा तो आपका दर्द आसानी से निकल जाएगा। जब तक आप संतुलित भोजन नहीं लेंगे तब तक ये दर्द ठीक नहीं होता है। दर्द निवारक ज्यादा गोली खाएंगे, हो सकता है आपकी किडनी फेल हो, लीवर पे असर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। इसलिए सरकार ने ऐसे दर्द निवारक गोली जो 600 मिलीग्राम की आती थी वो 500 की और 500 से 325 कर दी गई है। तो कुल मिलाकर उससे हानि होगी और आपको हानि से गुजरना पड़ेगा। इससे सबसे बढ़िया यही है कि आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी जुटाएं। हो सकता है मैं आगे आपको दूंगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी जो फूड सप्लीमेंट्री है उससे संबंधित जो जो भोजन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप पूछेंगे तो जरूर मैं आपका जवाब दूंगा, और हो सकता है मैं नया वीडियो भी आप लोगों के लिए लाऊंगा कि कौन से भोजन है जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और आपको ये जो तकलीफ है वो परेशानी है दूर हो सके। आपके परिवार में, घर में आप देखेंगे 100% एक न एक सदस्य ऐसा मिलेगा, छोटे से लेके बड़े तक, जो इस बीमारी से परेशान है। या तो आप सुन नहीं पाते हैं या कह नहीं पाते हैं, ये दिक्कतें होती है घर में कि ये तो रोज कहते हैं पर ये दर्द है, दिन में तो इंसान भूल जाता है, रात को सोते वक्त होता है। अच्छी टिप्पणी कीजिए, आपको डाइट चार्ट की जरूरत होगी तो आप डाइट चार्ट के लिए स्थानीय आपके जो भी डाइटिशियन है उनसे संपर्क करें, और कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम जवाब देंगे। फ्री का इलाज केवल हम
टिप्पणी पे ही देंगे। हमारे नंबर जो दिए होते हैं उसके ऊपर आप लगातार कोई भी फोन करें तो जवाब देने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम डायरेक्ट फोन आपको उठाएं, क्योंकि यहाँ पे हम भौतिक रूप में भी ऑफलाइन में काम करते होते हैं, उस समय हमारे हाथ में काम है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।